हेलो गाइस, मैं पुष्पन दागड़ स्वागत करता हूँ फ्लाई अकेडमी भोपाल में। और आप लोगों को बता दूं कि सी टेट का टाइम टेबल आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आउट हो चुका है। अब हम देखना है कि इसका क्या है। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सी टेट मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि सी टेट का ऑफिशियली वेबसाइट ये रहा। और मैं इसी पर क्लिक करूँगा तो ये कोई फेक नहीं है, तो उसी की वेबसाइट से ही कर रहा हूँ मैं सब कुछ। देखेंगे आप, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सी टेट दिसंबर 2021। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। ओपन हो रहा है। तो गाइस मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसकी क्या एग्जाम डेट है, क्या इसका एग्जाम में कोई सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्या हुआ है, कितनी फीस लग रही है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी तरह शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले कि भाई किसके ये आया है कि नहीं, और सब लोग फॉर्म भरना है इसका। ठीक है, मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। तो चलिए हम आते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें हमें बकायदा शुरुआत में ही हमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है आपका डेट ऑफ सबमिशन क्या है, और आपका डेट ऑफ सबमिशन आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया है कि 20 तारीख से फिल होंगे, कहाँ तक 19 से, तो 20/9 से आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे वो 19/10 तक होंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं वो पर्याप्त समय तो है, पूरे एक महीने का समय मिला है हमें फॉर्म भरने का। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर लिख दिया है, 16 दिसंबर से आपका कहाँ तक 13 जनवरी तक चलेगा, और मोड लिखा है सीबीटी मोड। चलिए हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे लिखा है सी टेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है आपको, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि जो इसकी एग्जाम की जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है आपका 16/12। तो इसका मतलब आपको 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे गाइस। तो आपके पास समय ही नहीं बचा हुआ है, समय आपका कितना सा बचा हुआ है कि आज कितना है, आज आपका जो 20 सितंबर है, तो 20 सितंबर है, और आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम 16 दिसंबर, चलो अपन 20 दिसंबर ही मान लो ताकि अपन थोड़ा सा बोझ लगा सकें। तो क्या बचा है आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अब आप समझ सकते हैं कितना सा टाइम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट जो दिए इससे हमें इतना है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब आपको यहाँ पे समझते हैं पहली चीज, सी टेट एग्जाम में यहाँ पर जो आपको एग्जामिनेशन फीस है मेन चीज है। तो जो जनरल और ओबीसी वालों को, अगर किसी को कोई एक पेपर देना है, चाहे वो पेपर वन दे या पेपर टू, तो उसकी 1000 फीस रहेगी, और दोनों ही पेपर देना है तो 1200 रुपए। अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करता है तो एक पेपर के उसको लगेंगे आपके कितने, 500 रुपए लगेंगे, और अगर वो दोनों ही पेपर देना चाहता है तो उसके उसको लगेंगे 600 रुपीज आपके दोनों पेपर के लगेंगे। ये गाइस फीस हो गई है, फीस आपको ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं आप, और आप ऑफलाइन ही पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप ऑनलाइन ही पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 1200 रुपये फीस है अगर आप दोनों ही पेपर देंगे, जनरली लोग बोथ पेपर देते हैं दोनों के लिए, पेपर वन और पेपर टू। अभी पेपर वन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो व्यक्ति क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक को पढ़ाना चाह रहा है वो पेपर वन देता है, और जो 6 to 8 को पढ़ाना चाह रहा है वो पेपर टू देता है। ये अब इसको हम देखेंगे अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो अभी तो हमने फीस का समझ लिया है, चलिए हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, डेफिनेशन क्या है शॉर्ट, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्केड्यूल ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखेंगे जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 16 से लेकर 13 जनवरी तक है। शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में होगा, टाइमिंग आपका है 9:30 से 12 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो यहाँ पर जो एग्जाम था, एग्जाम पहले आपका ओएमआर सीट पे होता था, लेकिन अब आपका ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये एक नई अपडेट आई है और नई चीज आई है, न्यू चीज यही है कि आपका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी को। जैसे आपने एसएससी के एग्जाम दिए हुए होंगे, जिन्होंने एसएससी के एग्जाम दिए हैं, पर कोई भी ऑनलाइन एग्जाम जिन्होंने दिया हुआ, तो बस वही सिस्टम सेटअप है। तो बस अब ये है कि आपका सिंपल सी बात है, आपको ऑनलाइन पेपर देना है, ये कन्फर्म हो गया है। ड्यूरेशन आप देख रहे हैं कि 2.5 घंटे का एक पेपर होगा, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा, मात्र 2.5 घंटे, ये चीज आपको समझ लेना है। सेकेंड अब आपका आता है एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, तो अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर
जो आप जिस जो एलिजिबिलिटी आप जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चों के साथ यही दिक्कत है कि क्या करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर जो भी टीचर सिर्फ पेपर वन देना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा पेपर वन विल बी द पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फर्स्ट टू फिफ्थ, जो फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हैं वो आपके पेपर फर्स्ट देना है, और पेपर टू विल बी फॉर द पर्सन हु इंटेंड्स टू टीचर क्लासेस सिक्स टू एट, अगर जो सिक्स टू एट एग्जाम मतलब देना चाहते वो आपके, और या पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर ऑफ बोथ लेवल्स क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ और एट, तो वो पेपर वन पेपर दोनों ही दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप कौन कौन लोग हैं जो दे सकते हैं। देखो जनरली सबको मालूम है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपके पास बी एड या फिर डी एड या फिर डी एल एड, जो भी आपको मतलब जो बेसिकली टीचर से रिलेटेड डिग्रियां होती हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए है। अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ट्वेल्थ पास होना पड़ेगा और साथ में आपके पास डी एड या बी एड होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, आप ट्वेल्थ पास है तो डी एड ही होगा, और अगर आप एट्थ से दे रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपको यूजी कंप्लीट करना पड़ेगा, और साथ में आपका बी एड हो चाहे आपका डी एड कंप्लीटेड हो। अब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, जो लोग अपियरिंग है तो जो लोग सिर्फ लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में मतलब कि यहाँ पर फोर्थ सेम की बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड सेम की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड सेम आपका क्लियर होना चाहिए, सिर्फ आप फोर्थ सेम में हैं। अगर आप फोर्थ सेम में हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, और नहीं तो अगर आप थर्ड सेम का पेपर आपने दे दिए बट उसका भी रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप ये एग्जाम दे तो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये रहेगी कि वो अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब आप फोर्थ सेम में अपियर होना चाहिए, थर्ड सेम में आपको नहीं होना है। तो अभी जो भी अगर फर्स्ट सेम में है आप नहीं दे सकते, सेकंड सेम में तो आप नहीं दे सकते, और थर्ड सेम में अगर आप हैं और आपका रिजल्ट आज अगर आपके एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट बेटेंगे और रिजल्ट बेटेंगे कितना रिजल्ट बेटेंगे कि वो अक्टूबर तक या नवंबर तक एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो फोर्थ सेम में आप आ ही गए होंगे इसलिए। भैया जो लोग सिर्फ फोर्थ सेम अभी चल रहा है उनका तो वो बिल्कुल दे पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ सेम वाले अपियरिंग वाली कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो टोटली पास आउट है। तो गाइस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इसको फॉर्म को भरने में। तो बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि हम सेकंड सेम में हैं या फिर हम फर्स्ट सेम है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। और जो थर्ड सेम में है क्या आप फॉर्म भर सकते हो? तो आप भी फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, और अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम अगर हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बट उसका ये है कि अभी आपका हाल फिलहाल में रिजल्ट आ जाना चाहिए अक्टूबर तक, ठीक है ना, ताकि आप से फोर सेम में ही रहें। इसलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। आगे इन्होंने अब देखिएगा बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई है, हमने देख लिया है कि एग्जाम डेट क्या है ना, फॉर्म भरने का डेट क्या है, फॉर्म भरने का डेट भी हमने देख लिया है, हमने एलिजिबिलिटी भी चेक कर ली कि कौन फॉर्म भर सकता है, हु कैन फिल फॉर्म। अब हमने ये तीन चीजें चेक कर ली हैं, एक दो और तीन, अब चौथा ही होता है। अब आपने देखो आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया है, जिनको पता चले जो भर सकते हैं वो भर देंगे, जिनको एग्जाम कब है आपको ये भी पता चल गया। अब ये कि जो अब आपको करना है एग्जाम की प्रिपरेशन, अब आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है कि पेपर वन फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी, उनके लिए क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब आपका सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 एमसीक्यू आएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू जरा ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने लैंग्वेज वन आपका हिंदी चूज करा और लैंग्वेज टू मैंने इंग्लिश चूज करा, तो ये मेरे लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को उनका भी सिंपल है 30 एमसीक्यू रहेंगे, 30 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स के आपके 30 रहेंगे और एनवायरमेंट स्टडी के भी आपके 30 रहेंगे। टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा ये, और जो टोटल 150 नंबर पर और जो कितने का 2.5 घंटे का पेपर है गाइस, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब जैसे मान लीजिए कि अब ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो आप अगर आपकी लैंग्वेज वन कौन सी लेना, मैं आपको गाइस अभी बता देता हूँ, लैंग्वेज वन आप बोले जिसके आप एक्सपर्ट हो, आपका जो मीडियम रहा हो पढ़ाई का, क्योंकि जब जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से तो मेरे हिसाब से आप हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज लें, सेकेंड लैंग्वेज आप संस्कृत ले सकते हैं, या जो भी आपको लेना है, संस्कृत लेना तो संस्कृत ले लो, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले लो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो पहली लैंग्वेज आप इंग्लिश ही लेंगे, सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी या जो भी, यहाँ पे पूरी लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कनाडा, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजोरम, मतलब जो भी आपकी टोटल 15 लैंग्वेज है, संस्कृत का ये कोड लिखा हुआ है।
तो गाइज अगर आपको जो भी लैंग्वेज आपको देन के यहाँ पे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट लैंग्वेज आप वही लीजिएगा जिसमें आप परफेक्ट हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, असमी हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, पंजाबी, उर्दू, कोई भी हो। और सेकंड लैंग्वेज जिसको आपको सेकंड पढ़ाई, जैसे जनरली सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम वाले वो इंग्लिश लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वो हिंदी लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत भी लेते हैं। अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी पूरी हेल्प मिलेगी और आगे भी मैं वीडियो करूँ। अब आप चुको मैं आपको एक बता दूँ कि 30 MCQ आएंगे लेकिन कैसे रहेंगे। देखिए 30 तो ये तो पूरा पेडागोजी चलता है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका तो कोई नहीं, लेकिन लैंग्वेज में 15 तो आपके पेडागोजी रहेगी और 15 के आपके नॉर्मल जो व्याकरण से संबंधित और गद्यांश पद्यांश आएंगे। और लैंग्वेज 2 में भी आपका 15 नंबर जो है, 15 मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ये कुछ ज्यादा ही वो, ताकि आप समझ सको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाओ। देखोगा जैसे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग 30 नंबर का यहाँ लिखा हुआ है तो 30 नंबर में ये है कि 15 नंबर तो सब्जेक्ट के बारे में है और 15 नंबर की जो है आपकी पेडागोजी आएगी। जो पेडागोजी जो है सबसे IMP यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सभी की पेडागोजी भी कर लोगे तो देखो 30 मार्क्स तो चाइल्ड डेवलपमेंट पूरी पेडागोजी है, फिर इसके बाद बाकी के कितने सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, तो इनमें 4 में सभी में आप 15 × 60 और आपको हो जाएंगे 90, तो ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको 90 मार्क्स ही लेके आना होता है। तो अब इसलिए आपको पेडागोजी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पेडागोजी तो आना ही आना चाहिए, चाहे आपका EBS की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे लैंग्वेज वन हो, लैंग्वेज 2 की हो, ठीक है गाइस। अब इसके बाद पेपर 2 पे आते हैं, तो पेपर 2 का भी यही सिस्टम है, इसमें भी कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस यहाँ पर ये रहता है कि देखो चाइल्ड डेवलपमेंट तो आना ही आना है, लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 भी होना है। अब यहाँ पर अगर जो टीचर साइंस के टीचर हैं उनको मैथ्स और साइंस के देना है, उनमें 60 MCQ, वही बात 30 मैथ्स के 30 साइंस के, और जो सोशल साइंस वाले उनको 60 MCQ आपके सोशल साइंस के करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ही वही सिस्टम है कि 15 नंबर के आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे और 15 नंबर जो है आपका क्या होगा, पेडागोजी होगी। बहुत बहुत IMP है पेडागोजी। तो अगर जिसने जो पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ज्यादा खास डिफरेंस होता नहीं है, ज्यादा लेवल का भी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है, अगर आप पेडागोजी पूरी पढ़ते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में तो कोई चेंज नहीं है, लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 में भी कोई खास ज्यादा चेंज आएगा नहीं, लेकिन आपको जो मैथ्स और साइंस में नई चीज जो बढ़ जाती है, वहां पर EBS था और यहाँ पर जो है मैथ्स एंड साइंस आ जाता है, तो बस यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। यहाँ पर भी आपका ये भी 2.5 घंटे का ही होगा और आपका ये 150 मार्क्स का होगा गाइस। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई भी आपका मार्क्स कट नहीं होगा, वो हम आगे देख लेंगे। और भी क्या चीज है यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज में लैंग्वेज दिया हुआ है और ये सब है। तो गाइस अब ये जैसे ये इसका जो हम सीटेट देते हैं, इसका यूज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सीटेट जो है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल है, KB है, NVS सेंट्रल, आपके तिब्बतन स्कूल है, मतलब जितने भी सेंट्रल के स्कूल है, जहां पर भी सीटेट मान्य होता है वहां पर आप जाकर, वो अगर आप ही क्वालिफाइड रहते हैं तो आप वहां पर टीचिंग की वैकेंसी आती है। अगर KB विद्यालय हुए, नवोदय विद्यालय हुए, तो आप वहां पर जनरली KB और नवोदय में ही लोग जाते हैं, तो उसके लिए सीटेट बिल्कुल कंपलसरी है। तो आपको सीटेट, चूंकि नवोदय विद्यालय 6 to 12 होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। और जो KB होते हैं, KB आपके 1 to 12 होते हैं, तो वहां पर कोई इशू नहीं है, वहां पर आप पेपर बनवा ले भी जा सकते हैं, नवोदय में 6 से रहता है इसलिए। अब यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड गाइज एक नई अपडेट आई है, ये बिल्कुल नई अपडेट है और ये आपको पता होना चाहिए क्या है। जो सीटेट पेपर आप जो सीटेट का जो एग्जाम आप पहले देते थे उसकी एक वैलिडिटी होती थी, पहले उसकी शायद वैलिडिटी जो होती थी वो 2 साल होती थी, 2 साल के बाद जो 2 ईयर का पीरियड होता था इसका, लेकिन अब ये लाइफ टाइम कर दी गई है। अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया तब आपको आपका क्या करना है, आपको अब लाइफ टाइम देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका ये पूरा लाइफ टाइम चलेगा। दिस इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ पर्सन, और आप चाहें आप कितने भी दे सकते हैं एग्जाम, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैलिडिटी पीरियड जो आपका लाइफ टाइम है, जैसे मान लो कि आपने अभी दिया और अभी आपके सपोज करो कि आपके 100 मार्क्स आए, अब आपको लगता है कि यार मुझे और भी मार्क्स चाहिए तो मैं क्या करूं, तो अब आप कुछ नहीं करना, आप चाहो तो फिर से दे दो। जैसे आपका अगली बार में 120 है तो अब जो 120 वाला वैलिड होगा, लेकिन ये लाइफ टाइम रहेगा, इसमें आपको फिर से नहीं देना। एक बार दे दिया तो हो गया, अब आपको जिंदगी, जैसे मान लो आपके एक ही बार में आपको लगता है आपके 120 या 130 नंबर आ गए, अब आपका ये हमेशा वैलिड रहेगा। आपको लगता है कि मुझे और एग्जाम दे और ज्यादा नंबर लाना है, दो, अदरवाइज आपका यही वैलिड रहेगा जिंदगी भर। आप कितने भी बार एग्जाम दे सकते हैं और ये जिंदगी भर आपका यही वैलिड रहना ही रहना है, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल ये सिंपल जो मैं नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, फीस का तो मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ, फीस का मैंने आपको फिर भी एक बार और बता देता हूँ। जो जनरल वाले हैं और OBC वाले भाई साहब, वो आपको पेपर, अगर आपसे पेपर 1 देना है तो 1000 रुपए, चाहे पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 दो, मतलब एक ही पेपर देना है तो एक, और दोनों साथ में देना है तो 1200 रुपए। मेरे हिसाब से दोनों ही पेपर देना चाहिए, क्योंकि 1200 रुपए में और कुछ नहीं जा रहा है,
कम से कम आप दोनों, अगर दोनों का हुआ तो अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं उसमें, अगर आप एक में भी निकल जाते हैं तो वो एक की वैलिडिटी रहे, दूसरे की नहीं, तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप बन के अगर सिर्फ एक एक के लिए रह गए। जैसे आपने दोनों पेपर दिए, आपने पहला पेपर दिया तो आपके, जैसे मान लीजिए आप पेपर वन में क्वालिफाइड है, पेपर टू में नहीं है, तो आप फिर पेपर, तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो पेपर वन के क्वालिफाई आएगा, तो आप पेपर वन में तो दे ही सकते हैं, ऐसा रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें थी आपकी। इसके बाद आपको रीचेकिंग रीएवेल्यूशन का भी मिलता है, नहीं मिलता है सॉरी, इसमें मैं यही बताने वाला था कि जो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नहीं होता है इसमें, देयर शैल बी नो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आपका रीचेकिंग नहीं होती है। दूसरा है, अगर आप जैसे कोई गलत जानकारी या कुछ भी डालते हैं, आप एलिजिबल नहीं और आपने हर कुछ डाल के पेपर दिया, तो वो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर सही जानकारी के साथ ही काम करेंगे ज़्यादा बेहतर है, फालतू में ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आपको मार्कशीट मिली जाएगी आपके डाउनलोड करके, उसके साथ बकायदा सब कुछ मिली जाएगा आपको। सो गाइस, मुझे नहीं लगता कि अब कोई खास चीज़ें बची हुई जो मुझे आपको बताना चाहिए। टेस्ट प्रैक्टिस पेपर आप देते रहेंगे, नीचे जो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें बकायदा पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था देखिएगा कि 15 मार्क्स जैसे 30 मार्क्स का है, तो ये 15 मार्क्स आपके लैंग्वेज के आ रहे हैं और 15 मार्क्स आपका पूरा पेडागोजी है। उसी तरीके से लैंग्वेज जो लैंग्वेज टू है इसमें भी देखिएगा 15 मार्क्स की आपका पूरा जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, जिनमें आपका पूरा ग्रामर आती है, वर्बल एबिलिटी आती है, कंप्रेसिव ये आता है, बाकी 15 मार्क्स आपका पेडागोजी रहता है। ठीक है, ऐसा ही देखिए मैंने आपको मैथ्स में बताया था, मैथ्स में 15 मार्क्स में जो आपका वो सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे ज्योमेट्री शेप्स, ये बहुत सिंपल होता है, जो कोई दे सकता है, अगर जो ये तो बहुत खास मैथ नहीं होती है। और इसके बाद 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है, तो कोई जरूर नहीं है आपको इंग्लिश ग्रामर ये सब ग्रामर करने की, आपसे पेडागोजी कर लीजिए सब हो जाएगा। और इसी के साथ एक इन्वायरमेंटल स्टडी में भी आप देखेंगे ये जो पूरा आपका 15 मार्क्स का ये जो पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएगा और 15 मार्क्स की उसकी पूरी पेडागोजी इश्यूज आएंगे, देख सकते हैं आप। पेपर टू में भी सेम टू सेम है, 15-15 का ही सिस्टम है, आपको देख सकते हैं कि देखिएगा ये लैंग्वेज वन में 15 मार्क्स का आपका जो पूरा ग्रामर है, वर्बल एबिलिटी, बिल्कुल सेम टू सेम, पेपर वन पेपर टू का तरीका सेम है, सेम टू सेम, और ज़्यादातर का सिलेबस भी बहुत सारा मैच करता है, बस थोड़ा सा ही लेवल हाई होता है। वहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ आपका 6 to 8 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बस सिलेबस आपका सेम है। तो देखो जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हैगा आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला हैगा, चाइल्ड डेवलपमेंट इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि ये तो इससे फर्स्ट टू फिफ्थ हो चाहे वो 6 to 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब सेम ही रहता है। बट किंतु परंतु जो हिंदी और इंग्लिश है और मैथ्स है, बस यहीं पर फर्क पड़ेगा और वहाँ पे कोई नहीं पड़ेगा। मतलब जिसने चाइल्ड पेडागोजी अगर जो पेपर वन के लिए करा, वो पेपर टू के लिए वही रहेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका था और कुछ भी नहीं है। तो अब गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ की फॉर्म वॉर्म भरने के तरीके तो आप खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, कोई बताने लायक चीज़ें नहीं है। तो आप गाइस आपको समझ में आ गया होगा सीटेट का कि मेरा कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको समझना है, क्या नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ उसको लाइक जरूर कर देगा और अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे थे सीटेट का, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर तक पहुंचा ताकि उन लोगों के काम आए। और जो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन फॉर्म भर सकता कौन फॉर्म नहीं भर सकता, उनके लिए भी जरूर भेजें ताकि वो लोगों का भी डाउट क्लियर हो। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं कॉमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो को अंत देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।